नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है आशीष कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुपर टेट की जो परीक्षा हुई है उसके बारे में। दोस्तों, आज हम इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस में आए थे और क्या क्या उनके आंसर्स हैं। वैसे तो इस पर आपकी बहुत सी वीडियो आ चुकी है यूट्यूब पर, लेकिन किसी भी चैनल्स ने अभी पूरा सॉल्यूशन नहीं दिया है। किसी ने टुकड़ों में, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से सॉल्यूशन दिया है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको जितने भी टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आए थे, हर मतलब हर क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन यहां पर दूंगा, ठीक है। और हर सॉल्यूशन का जो आंसर होगा बिल्कुल सही। तो इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को मुझे लाने में इतना टाइम लग गया क्योंकि पेपर आपका बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन मैं वीडियो अब डाल रहा हूं अपने चैनल पर। तो यही बात है कि मैंने हर क्वेश्चन का आंसर आपको कलेक्ट करके यहां पर मैं दे रहा हूं आपको। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, साथ में आने वाली बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं उस सीरीज में, उसका जो पहला क्वेश्चन वो है आपके गैमने के अधिगम सोपान का सही क्रम। तो दोस्तों, इसका जो आंसर नंबर 3 सही है, जो आपके 8 सोपान थे जिसमें से लास्ट के 3 सोपान दिए हुए हैं, जो क्रम आपका इस तरीके से है, ठीक है। आंसर नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें जो आपका आंसर है वो है आपका आयोजक, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसका सही है। तीसरा जो है वो राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, वो है आपका कोलकाता में, ठीक है। इसका आंसर कोलकाता सही है। नेक्स्ट है आपका, खाने का नमक किससे बनता है? तो बनता है आपका कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, क्योंकि आपका HCl जो होता है वो कमजोर अम्ल होता है और NaOH जो होता है वो आपका प्रबल क्षार होता है। दोनों से मिलकर आपका NaCl बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा अपनी प्रारंभिक मान का 4 गुना हो जाए तो उसका नया संवेग होगा। तो इसका आंसर है आपका प्रारंभिक मान का 4 गुना। दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जो सॉल्यूशन वाले हैं, मैं उनको अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करके दिखाऊंगा। जितने भी क्वेश्चन है आपके मैथ, रीजनिंग, साइंस के जो भी क्वेश्चन है आपके न्यूमेरिकल वेस्ट, मैं उन सबको सॉल्व करके अपनी अगली वीडियो में जरूर डालूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 6 क्वेश्चन, ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है तो वो होती है अनुदैर्ध्य, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसमें है 7वां क्वेश्चन, 1 माइक्रोन होता है आपका, तो इसका 1 माइक्रोन होता है आपका 10^-6 मीटर के बराबर। नेक्स्ट है आपका, वातावरण का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित रहती है कहलाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो आपका ट्रोपोस्फियर, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, श्वास छिद्र का उपयोग किस श्वास के लिए किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, थोड़ा इसमें डाउट है, लेकिन इसका आंसर जो मेन एयर में वो होगा आपका घोंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, कि सरल रेखा पर गतिशील किसी कण की स्थिति x समय के साथ संबंध x बराबर 6t²-5t के अनुसार बदलती है, जहां x मीटर में, टी सेकेंड में है, तो कण की प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो -5 m/s होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट है आपका, 4.4 ग्राम CO2 का NTP पर आयतन होगा। तो दोस्तों, इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैं दूंगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो आपका सेकंड ऑप्शन 2.24 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें सबसे कमजोर छीड़ बल कौन सा है? तो इसका सबसे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों, 14 क्वेश्चन में आपका जो है वो है आपका, एक क्वेश्चन दे रखी है, बी के किस मान के लिए असामी का b² + 8b बड़ा है 9b + 14। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसका दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं अपनी वीडियो में जरूर दूंगा, ठीक है, तो आप बने रहिए। इसके बाद, संलग्न क्षेत्र में यदि AB + AC = 5AD तथा AC - AD = 8 है तो ABCD का क्षेत्रफल है। तो इसका आंसर जो होगा होगा आपका 60 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है आपका, यदि 2 संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 1:4 है और उनके
व्यासों का अनुपात 4:5 है तब उनके आयतनों का क्या अनुपात होगा? तो इसका आंसर है आपका पहला 4:25। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रथम 9 प्राकृतिक आवाज संख्याओं का औसत है, तो इसका आंसर है आपका 4, 11 सही 1/9। नेक्स्ट है आपका यदि √2916=54 हो तो हमें समीकरण दे रखे हैं आपके, इसका सॉल्यूशन जो होगा, इसका आंसर जो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5.9994। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो दे रखा है तीन संख्याओं का योग 98 है, यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात 2:3 है तो दूसरी और तीसरी के बीच अनुपात 5:8 है, तो तीसरी तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका 30। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, यदि आर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक सम षटभुज बनाया जाए तो उसका परिमाप होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 6r। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किसी त्रिभुज के अंतः केंद्र को सुनिश्चित किया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा सेकंड, कोणों को अर्धकों द्वारा। ठीक है, तो कोणों के अर्धक द्वारा जो आपका त्रिभुज के अंतः केंद्र बनता वो अंतःवृत्त बनता है। ठीक है, और अंतः केंद्र भी उसी से निकलता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका 1001 क्यू का मान होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 1003001। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, तो 23 में दे रखा है आपका यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% होगा, तो इसका आंसर होगा आपका 720। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यदि निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इसको सॉल्यूशन जो करके देखा जाए तो उसका सबसे छोटी जो भिन्न है ऑप्शन नंबर 4, 19/36 आपको मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि होती है और उसकी चौड़ाई कितने % घटा दी जाए ताकि उसका क्षेत्रफल एक समान बना रहे, तो इसका आंसर है आपका 20% ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका 26 कि एक एक 1.27 पर 12 लगा हुआ है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है के बराबर है, तो इसका आंसर जो है वो आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 27, एक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्षों में दोगुना हो जाता है या 8 गुना हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 45 वर्ष। ठीक है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, उसका जो हमें दे रखा है ए की पावर एक्स बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, तब बी स्क्वायर ए सी हो तो वाई है, तो वाई का मान जो आएगा, इसका आंसर जो आना है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 29 की तरफ। तो दोस्तों 29 क्वेश्चन है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 9z स्क्वायर प्लस 6yz के गुणनखंड है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर 3 सही होगा। अगर आप इसमें से माइनस इन कॉमन लेते हैं माइनस का, तो ये आपका एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, उसके बाद एक कोष्ठक में जोड़ दिया जाए एक कोष्ठक में घटा दिया जाए तो आपको ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाइयां ए और बी हैं, इसके समांतर भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई होगी, तो इसका आंसर होगा ए प्लस बी बटे 2। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर दूंगा, तो आप उनको भी देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किसी कक्षा में 6 छात्रों की आयु निम्नलिखित है, ठीक है, इसकी मातृका, तो मातृका की सबसे पहले उन्हें आरोही क्रम में लगाना होगा, तो उसके हिसाब से आंसर जो आएगा आपके सम पैटर्न है, तो सम पैटर्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब सम संख्या है, तो उसका आंसर जो आएगा वो आएगा 15 ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 32 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति में 3 मापों में अनुबंधिक संबंध है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 2। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। दोस्तों अगर आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऑनलाइन जितनी नोटिफिकेशन आते हैं जॉब के उसकी जानकारी में डालता रहता हूं अपने चैनल्स पर, और एजुकेशनल क्लब कंपनी से संबंधित वीडियो भी अपने चैनल पर मैं डालता रहता हूं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, यदि किसी व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है तो क्रय मूल्य पर प्रतिशत क्या हानि होगी, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका 50/3%। ठीक है, उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जीएस से संबंधित,
भारत के 23वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, तो वो हैं आपके सुनील अरोड़ा जी, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ऑप्शन नंबर फोर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, तो बुद्धचरित महाकाव्य किसने लिखा है, तो इसका आंसर है आपका पहला अश्व घोष ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का की विषय मतलब थीम क्या थी, तो इसका थीम जो थी वो थी आपकी वीट प्लास्टिक, कहने का मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को कम करो, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका सही है। नेक्स्ट है आपकी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स GHI 2018 के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर है आपका 133वां स्थान है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 39, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे आपके गोरखनाथ, ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 40वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है, तो वो है यक्षगान, ठीक है, तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आप जितने भी क्वेश्चन से आप लगा सकते देख सकते हैं कि अपने आप क्वेश्चन मिला के देख सकते हैं कौन कितने आंसर आपके सही हैं, ठीक है, थीके? आप कमेंट जरूर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है, जिस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसके अनुसार मेरिट निकाल सकता हूं कि इसकी मेरिट कितनी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका 41, काशीपुर में कैलाश मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों पर रंगों से मूर्तियां बनाई हैं किसने बनवाया था, तो इसका जो आंसर है वस्तुलोक वीडियो में बताया है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, लेकिन महेंद्र वर्मन भी बताया, लेकिन इसका जो सही आंसर वो है आपका नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है, जिन्हें राजसिम्बा भी कहा जाता था, राजसिम्बा कहा जाता था उन्हीं मतलब उन्हें ही ये मंदिर जो कलाकृति बनवाया था उन्होंने नरसिंह वर्मन सेकंड ने, ठीक है। मिर्जापुर प्रसिद्ध है, क्वेश्चन नंबर आपका 42, तो मिर्जापुर जो है आपके लिए फेमस है वो कजरी के लिए फेमस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 43, तो 43 कह रहा है आपका निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का सोवा एयरपोर्ट स्थित है, तो सोवा एयरपोर्ट स्थित है वो आपका सिक्किम में, ठीक है, अभी बना है आपका लास्ट एयरपोर्ट सोवा एयरपोर्ट। इसके बाद आपका ग्लास केंद्रीय ग्लास एवं श्री मिक अनुसंधान स्थित है, तो ये है आपका खुर्जा में, ठीक है, तो खुर्जा में स्थित है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2018 का रमन मंच में पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो ये आपका प्रदान किया गया भरत वाडवानी को, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, तो उसमें है उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा वर्ष 2017 का भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो इसका आंसर है आपका डॉक्टर रमेश चंद्र शाह, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2018 में घोषणा नहीं की गई, तो इसका आंसर है साहित्य में, ठीक है, तो साहित्य में इस बार पुरस्कार नहीं दिया गया है 2018 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 महिला एकल की विजेता थी, तो इसका आंसर है आपका नौमी ओसका, क्योंकि ये क्वेश्चन आना था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है किसी जापानी ने क्या ये पुरस्कार जीता है, ठीक है, तो नोआमी ओसका जो थी उन्होंने ये खिताब जीता था। नेक्स्ट है आपका 49 क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2017 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो इसका आंसर है आपका विलेज रॉक स्टार्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, तो दिसंबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर है आपका कोटिक्स, जिसमें पोलैंड ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की, तो इसका आंसर सही आंसर आपका नेपाल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 52 पर, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कुंभ मेले के यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो इसका आंसर है आपका 2017, पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है आपका कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर फोर केरल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड निशानेबाजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी जो सही आंसर है वो है आपका 180 मीटर, ठीक है, मूर्ति की जो ऊंचाई जो है वो आपका ऑप्शन नंबर फोर 180 मीटर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 57, भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी तैयार हुई, इसका नाम है, तो इसका आंसर है आपका ट्रेन 80, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, मार्च 2008 तक भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 प्रत्युष। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59, 90वें ऑस्कर 2018 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है, तो इसका आंसर है द शेप ऑफ वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका मानव विकास सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, तो इसका सही आंसर है जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3, 130वां स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक के लेखक कौन है, तो इसके आंसर है आपका संजय बारू। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि इसी के ऊपर अभी आपकी मूवी बन रही है इस किताब के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किसने लिखी है, तो इसका आंसर है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है आपका मिल्कमैन उपन्यास की लेखिका है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 एना वंस। नेक्स्ट है आपका 64, आपके साइकोलॉजी के क्वेश्चन है कुछ, तो इसमें आप देख लें तो जीवन कौशल का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 चुनौतियां एवं मांगों के अनुसार योग्यता का विकास करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 65, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर है आपका एमसी मतलब मैकडूगल, ठीक है, मैकडूगल इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है आपका सहानुभूति कौशल में व्यक्ति, तो व्यक्ति इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, दूसरों की परेशानियों को समझता है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका 67, तो 67 में आपका है पुरस्कार किस प्रकार की अभिप्रेरणा है, तो धनात्मक एवं प्रत्यक्ष, पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट आगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो यह है आपका आंसर नंबर 2, ऑप्शन 2010। नेक्स्ट है आपका मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह विचार किसका है, तो यह विचार है आपका अर्बन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। नेक्स्ट आगा क्वेश्चन नंबर 70, निम्न में कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है, तो वो है आत्मगौरव, सेल्फ प्राइड, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो वीडियो लंबी जरूर जा रही है लेकिन आपको पूरा हल है इस वीडियो में, तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें और अपने क्वेश्चन जितने भी हैं आप उनको सबको सही कर लें, ठीक है। तो अलग ढंग से कार्य करने, 71 की बात कर रहे हैं हम, अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता कहलाती है, तो उसका आंसर है आपका पहला सृजनात्मकता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 72, व्यावसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो इसका आंसर है आपका पार्सन्स ने, ऑप्शन 2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनसीपीआरटी ने शैक्षिक संदर्भ में निम्नलिखित मूल्यों को किसको स्वीकार किया, तो इसका आंसर आपका 4, ऑप्शन उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट है आपका 74, ये आपकी रीजनिंग यहां से स्टार्ट होती है, ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तब ए डी से क्या संबंध है, इसका आंसर होगा 2, पौत्री, ठीक है, ग्रैंड डॉटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 75, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, तो इसका आंसर आपका 1 ऑप्शन सही है, 100/64, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 76, राहुल अपने स्थान से 40 किलोमीटर पूर्व की ओर साइकिल से चलता है, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 3, 20√2 किलोमीटर जाता है वो, ठीक है, दूर है वो अपने स्थान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नंबर 77, किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ यू आर गुड, 337 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ जो है वो है गुड एंड बैड, तो इस भाषा में एंड के लिए कौन सी संख्या प्रयोग की है, तो इसका आंसर आपका पहला ऑप्शन सही है 8, ठीक है। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की, किसी संकेत में फोर्स को FPTGI लिखा जाता है, ठीक है, इसी संकेत को कल्प्रेट को कैसे लिखा जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 79 पर, बिट का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका आंसर है आपका 2, ऑप्शन बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट है आपका BLE का विस्तृत रूप है, तो VLE का विस्तृत रूप है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, वर्चुअल लर्निंग एनवायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 81, ICT का उद्देश्य, तो ICT का उद्देश्य जो है वो आपका 3, ऑप्शन
दोनों मतलब पहला और दूसरा दोनों, स्मार्ट स्कूलों की स्थापना करना, शिक्षकों की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पैम क्या है। तो स्पैम ये आपके कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन है। तो स्पैम आपका होता है अवांछित संदेश। ठीक है, जो संदेश होते हैं आपके अनवांटेड बेकार के एसएमएस होते हैं वो आपके अनवांछित, तो इसको स्पैम बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में प्राइमरी मेमोरी कौन सी है। तो इसका आंसर सही आंसर है रोम। ठीक है, बाकी सब आपकी सेकेंडरी मेमोरी है लेकिन रोम जो है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84 की ओर। तो 84 आपकी हिंदी का है, तो हिंदी यहां से स्टार्ट होती है आपकी। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों से साथ जुड़ते हैं। तो इसका आंसर ही आंसर है आपका क्रिया। ठीक है, क्रिया के साथ जुड़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जो व्याकरण जानता है उसे के लिए एक शब्द। तो इसका सही आंसर है आपका व्याकरण। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है आपका सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो इसका सही आंसर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका चिदंबरा का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो इसका सही आंसर है आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, नेक्स्ट महान शब्द में त प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा। तो बनेगा ऑप्शन नंबर थर्ड महत्व। ठीक है, नेक्स्ट आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बीजपन काल। ठीक है, बीजपन काल आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90। तो 90 क्वेश्चन में किसी शब्द हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो इसका सही आंसर आपका अरबी, अरबी भाषा से लिया गया है इसे। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो वो है ऑप्शन नंबर फोर आपका ग्रह। ठीक है, इसके बाद आपका एक पैरा था जिसमें आपको पैराग्राफ पढ़ के आपके दो क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या सही आंसर है, मोस्टली ये क्वेश्चन सही हो जाते हैं पढ़कर अगर करें तो। आप हमने जीवन का अभिन्न अंग किसे माना है, तो पाखंड और दिखावे को, सेकंड ऑप्शन सही है इसका 92 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका त्रांगवे छलने की कला का किस प्रकार उपयोग करते हैं, तो वो हम करते हैं खुलकर। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों यहां से आपके संस्कृत के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, तो देख लेते हैं। 94 आपका लिख रहा है बीती बिवावरी जागरी अंबर पनगट पर डूब रही तारा घट उषा नागरी में अलंकार है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर रूपक अलंकार। नेक्स्ट है आपका 95 जद भी सुजाति सुलक्षणी सुवरण सरस सुव्रत भूषण बिन विजारई विराजई कविता विनित मित। तो दोस्तों इसमें थोड़ा डाउट है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो इसमें होना चाहिए बिहारी जी। ठीक है, लेकिन आप केशव दास, क्योंकि इस टाइप के जो भी दोहे थे वो आपके बिहारी जी लिखते थे हार्ड, लेकिन इसका आंसर केशव दास पर भी डाउट जा रहा है। तो दोस्तों इसमें से एक सही है, लेकिन मैं जो आंसर दूंगा वो दूंगा आपको बिहारी जी को 100%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 96 निम्न में से कौन सा शब्द सरस्वती का प्राय नहीं है। तो वो है आपका जानवी। ठीक है, जानवी नहीं है, बाकी सब आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मैं हम तू तुम आदि शब्द हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फोर पुरुषवाचक सर्वनाम है ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्न में महापुराण व्यंजन कौन से हैं। तो महापुराण व्यंजन जो होते हैं वो हर लाइन में मतलब का खा गा में आपका सेकंड और फोर्थ, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही है 98 का। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99। तो इसमें दिखा है जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। तो इसका आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन द्विगु समास। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 100 क्वेश्चन तुम मासहीन तुम रक्तहीन हे अस्तित्व तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे शिव चारणी। तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो इसमें मैं जो आंसर दे रहा हूं वो है आपका दृष्टांत। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, लेकिन उसमें हो सकता है कि विरोधाभास भी हो। ठीक है, लेकिन मैं जो आंसर दे रहा हूं वो है आपका दृष्टांत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101 निम्नलिखित कौन सा संयोजक चिन्ह है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड संयोजक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट आपका 100 नंबर दो बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है। तो ये है आपका सेकेंड ऑप्शन विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का स्त्रीलिंग ऑप्शन नंबर थर्ड कवियत्री। बहुत से लोगों ने कवियत्री भी लगाया है लेकिन ये गलत है, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। ठीक है, कवियत्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 104 है आपका सैले सैले ना मड़िक्य मोक्तित ना गजे गजे साधवा ना ही सर्वत्र चंदन वा वने वने। तो 38 लोग सर्वत्र किसके ना भवंती, सर्वत्र का ना भवंती, तो चंदनम आपका आंसर नंबर
आपका ऑप्शन नंबर फोर इसमें सही है। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय में पद्म प्रयुक्त समास है, तो इसका आंसर है आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें नीलोत्पलम कौन सा समास है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर। ठीक है, कहीं कहीं भी आपका बहुव्रीही दे रखा है लेकिन इसका आंसर कर्मधारय समास है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दास्यति क्रियापद में लकार है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, लट लकार। ठीक है, लट लकार है इसमें। नेक्स्ट है आपका 108, उदिति सविता ताम्र एवं उस्मेति चा संपत्तो विपत्तो चा महता कामरूपता। ठीक है, तो इसका जो आंसर है सविता किरसी उदिति, तो उसका है आपका ताम्र, मतलब पीले कलर का होता है आपका सूर्य जब होता है तब, तो इसका आंसर ताम्र आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 109, तो इसमें दे रखा है पितृ स्वासा का अर्थ है, तो पुत्र स्वासा का अर्थ होता है आपकी पिता की बहन, कहने का मतलब बुआ। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका गम धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, गम्यस्यत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महाश्वर सूत्रों की संख्या, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका टीईटी में ही पूछा गया था, तो इसका आंसर है आपका पहला 14। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट है आपका गा पद में व्यक्ति वचन है, तो इसका आंसर आपका द्वितीय बहुवचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट, हसंती पद में प्रत्यय है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका थर्ड, श्रत प्रत्यय इसमें है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इंग्लिश में है आपका, इंग्लिश के सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, तो 9 क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। तो विच इज द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड डेप्लीट एज यूज्ड इन द पैसेज, तो इसका आंसर जो होगा वो पहला आंसर सही होगा। डेप्लीट माने हो जाता है गायब होना। ठीक है, तो और रीजनरेट, डेप्लीट का जो विलोम शब्द होगा वो होगा रीजनरेट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इसका आंसर होगा आपका सेकंड, हैज वेयरली यील्डेड द एनी रिजल्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है इसका। नेक्स्ट है आपका 116, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउन इन द वंस, तो इसका जो सही आंसर है वन के साथ जो अपनी इंग्लिश आती है वो आती है आपकी वंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द नंबर ऑफ वॉवेल एंड कंसोनेंट साउंड इन इंग्लिश इन इंडिकेटेड रिप्रेजेंटली वाई, तो दोस्तों साउंड के बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 20 और 24। ठीक है, 24 होते हैं टोटल, तो उसमें से आपके 20 और 24 इस तरीके से आपके बांटे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 118, तो इसका पूछा है कि अतुल इन्फॉर्म हिज फ्रेंड डेट ही कुड मेक यूज ऑफ हिज बाइक वाइट ही वॉज अवे, तो इसका जो आपको डायरेक्ट दे रखा है और इनडायरेक्ट, सॉरी हमें इनडायरेक्ट दे रखा है, हमें डायरेक्ट पता करना है, तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर नंबर आपका थर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 119, क्वेश्चन नंबर 119, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इनफ टू, तो इनफ टू का जो सही आंसर वो जो है वो आपका इनफ का यूज एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के रूप में किया जाता है, लेकिन यहां पर जो यूज किया गया वो एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट है आपका फाइंड द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो दोस्तों ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स ए हर्मिट, तो दोस्तों सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, तो काम रहने का काम जो वो हर्मिट कर रहा है, तो यही आपका इसका सब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस, तो दोस्तों इसको पास्ट में चेंज करना है, जो आपका सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, सी हियर हाइड्स हर फेस फॉर सेम, तो इसका पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, तो हाइड की सेकंड फॉर्म जो होती है वो हिड, कहने का मतलब सी हिड हर फेस फॉर सेम, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 122, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो, तो सेंटेंस आपका हाउ वेल सी साइंस, तो आपका ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, तो इसी से पता चल जाता है कि ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो ऑप्शन नंबर फोर आपका सही है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, मतलब कौन सा सेंटेंस इसमें करेक्ट है, तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर फोर, एन FIR वॉज लॉस्ट अगेंस्ट हिम, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका फोर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124 आपके जीएस से संबंधित है, तो इसमें देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर का थर्ड सही है। नेक्स्ट है आपका 125 साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज में लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही है, लाला लाजपत राय। ठीक है, नेक्स्ट, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, 14 दिन तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 127, प्रायः भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो इसका आंसर है आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 128, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, तो इसका आंसर पहला ऑप्शन सही है, उगलहास धारा। ठीक है, तो उगलहास धारा आपकी अटलांटिक महासागर की नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों आपकी अटलांटिक महासागर की है। नेक्स्ट है आपका, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट 130, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है, तो पहले जो आकलन था वो आपका कैलोरी के आधार पर किया जाता था, लेकिन अब जो 2012 में चेंज हो गया इसे कर दिया गया भारत का उपभोग व्यय। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही है। अब 131 देखते हैं, इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष जो थे वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थाई थे, लेकिन पहले प्रथम अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। उम्र के हिसाब से इन्हें बनाया गया था, सबसे वरिष्ठ थे इसलिए इन्हें बनाया गया था, लेकिन कुछ ही समय बाद इनको हटाकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, तो इसके लिए आपका पहला आंसर ही सही होगा। नेक्स्ट, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था, तो इसका आंसर है आपका सेकंड ऑप्शन, 1925 में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में अविस्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसका सही आंसर है जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो पहला आपका अव्यवस्थित राष्ट्रीय उद्यान था। नेक्स्ट है आपका 134, निम्न में कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, या आपके साइकोलॉजिस्ट के क्वेश्चन है, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, तो ये गलत है, शिक्षा है जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 गलत है। नेक्स्ट मतलब गलत है, तो ये सही ऑप्शन इसका होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135, प्राथमिक विद्यालय में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है, तो इसका जो आंसर है वो है आपका समाज विस्तार करना। ठीक है, समाज विस्तार करना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है आपका 136, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इसका आंसर है आपका थार्नडाइक, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही। नेक्स्ट है आपका, पढ़ने और लिखने की अक्षमता है, तो इसे कहते हैं हम डिस्लेक्सिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है, डिस्लेक्सिया कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। चलते हैं नेक्स्ट, 138 में आपने कहा, देखा है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है, तो इसका जो आंसर है वो आपका H.G. Burnett ने कहा था। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा डाउट है, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको रॉजर्स भी दिखाया गया है, तो इसमें से ही दोनों में से एक है, तो मैं तो आप साथ जाऊंगा जो एक नंबर के साथ जाऊंगा। ठीक है, H.G. Burnett के साथ। नेक्स्ट आपका 139, भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने अवयव का अवरोधन पर विचार किया, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर 1, हॉर्टेक समिति। ठीक है, हॉर्टेक समिति ने इस पर विचार विमर्श किया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 140, परम शून्य स्थिति होती है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, रेशियो स्केल अनुपातिक स्केल में। ठीक है, वैसे परम शून्य जो होती है वो आपकी केल्विन पैमाने पर होती है। ठीक है, केल्विन स्केल होता है, ठीक है, उसी को हम अनुपातिक स्केल भी कह देते हैं। नेक्स्ट है आपका 141, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक है, तो वो है आपका पूर्व अनुमान, मतलब पूर्व ज्ञान। ठीक है, तो पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है आपका 142 नंबर, NCERT द्वारा राष्ट्रीय पाठचार्य की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई, तो इसका सही आंसर है 2005 में की गई। नेक्स्ट है आपका 143, शैक्षिक स्वशासन प्रयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने के योग बनाता है, शिक्षा में उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण में सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो, यह कथन है, परिभाषा दी है, तो इसका सही आंसर है आपका S.N. मुखर्जी द्वारा, पहला ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट है आपका, भारतीय
पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई थी? इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, दिव्यांग जनों की, मतलब दिव्यांग जन की शिक्षा के लिए की गई थी इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है आपका, विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 146। मार्गरेट मीड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो इसका आंसर है आपका जैविक, बायोलॉजिकल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि के जनक है, तो ब्रेल लिपि के जनक है वो आपके लुईस ब्रेल, आपके ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। नेक्स्ट है आपका 148। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका आंसर है आपका पावलोव ने दिया था, तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट है आपका हेरेडिग्री जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका आंसर है आपका गाल्टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर से आपका, निम्नलिखित में कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो उसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर इसका सही। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी सब्जेक्ट थे आपके 150 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन का मैंने बिल्कुल सही सही आपको आंसर दिया है। ठीक है, फिर भी अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, किसी में डाउट होती है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर ये बताएं कि आपने कितने कितने क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार मैं मेरिट बता सकता हूँ कि कितनी मेरिट जा सकती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, एक बात और, इसके जो मैथ के क्वेश्चन और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो मैं उसकी अगली वीडियो में लाऊंगा, जिसमें मैं उनका सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।